गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हनी सकल बुक से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो देखिए कितना सुंदर डॉग बैठा हुआ है। तो इस तरह से कि जो डॉग है उसने अपने लिए एक मालिक कैसे पाया, कैसे उसने अपने लिए मालिक ढूंढा। तो हम पहले पढ़ते हैं, बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तो देखिए वुल्फ और जो डॉग हैं आपस में काफ़ी सिमिलर हैं, इनकी सकल जो हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो ऐसे हम जानते हैं कि आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। आप यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। हेयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले सभी जो जानवर थे जंगली थे और धीरे धीरे इंसान ने उनको अपना पालतू जानवर बनाया। तो यहाँ पर एक सुंदर कहानी है कि किस तरह से जो डॉग है वो एक पालतू जानवर बना और उसने अपने लिए मालिक को ढूंढा था। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्फ्स डू। डॉग जो थे किसी समय खुद के मालिक स्वयं थे और ऐसे रहते थे जैसे वुल्फ्स रहते हैं इन फ्रीडम, अंटिल ए डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। लेकिन ये जब तक हुआ जब तक एक ऐसे कुत्ते ने जन्म नहीं लिया, ऐसे डॉग ने जन्म नहीं लिया जिसको ये सब अच्छा नहीं लगा, इस तरह से लाइफ स्टाइल में जीना उसको अच्छा नहीं लगा, आज़ादी से घूमना और घूम रहे हैं उसे इस तरह से अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वो थक गया था लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। तो एक ऐसे डॉग ने जन्म ले लिया जिसको ऐसी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं लगी कि वे सारा दिन घूम रहे हैं जंगल में और उन लोगों से उन जानवरों से डर जा रहे हैं। किन से डर रहे थे? जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, अपने से स्ट्रांग आदमी से जो डर जा जानवर से वो डर जा रहे हैं। तो उसको इस लाइफस्टाइल पसंद नहीं आई। तो उसने उसके लिए क्या किया, क्या सोचा? ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो इसके लिए उसने क्या थॉट किया, उसने सोचा क्या थॉट थॉट किया उसे क्या थॉट उसके मन में आया, उसने डिसाइड किया कि क्यों ना कोई ऐसा बेस्ट थिंग, ऐसा सबसे बढ़िया ऐसी चीज़ जो सबसे बढ़िया, ऐसे के नौकर बन जाओ, ऐसे आदमी की सेवा करो जो सबसे ज़्यादा तेज हो, मतलब ऐसे जानवर को अपना गुरु बना लो, अपना मालिक बना लो जो सबसे दुनिया में अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। और उसने क्या किया, ऐसे मास्टर को ढूंढने का निश्चय किया। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वह घूमा और घूमता ही रहा। एंड ही मेट किंग्समैन ऑफ हिज, और अपने ही जैसे संबंधी होते हैं अपने ही तरह के एक अ बिग वुल्फ, पहले आपको बताया था कि काफ़ी सिमिलियर हैं, एक बिग वुल्फ से मिला। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, जो इतने ही ताकतवर था और देखने में बहुत भयानक सा लग रहा था। वेयर आर यू गोइंग डॉग द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर सम वन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। उसने कहा मैं ऐसे को ढूंढना चाह रहा हूँ जिसको मैं अपनी सेवा दे सकूँ, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे वुल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट द वुल्फ सेट, उसने कहा ठीक है मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं आपको मना कर दूँ। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, इस तरह से सहमत होकर वो दोनों एक साथ हो लिए, एक साथ चलने लगे या घूमने लगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट आगे हम कल पढ़ेंगे।